बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चावल के पापड़, जिसे खिचिया पापड़ भी कहा जाता है और पापड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पे चावल के पापड़ साल में एक बार बना के पूरे साल के लिए स्टोर किए जाते हैं। चावल के पापड़ में पापड़ खार का बहुत ही जरूरी मेजरमेंट होता है। अगर पापड़ खार कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारे चावल के पापड़ लाल हो जाते हैं या तो टूट जाते हैं। तो चलिए सारे इंग्रीडियंट्स के परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चावल के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल का आटा ले लिया है और आटा पिसवाने के लिए मैंने यहाँ पे किनकी ली थी, जिसे गुजराती में कणकी कहा जाता है। जो चावल के टूटे हुए हाफ टुकड़े होते हैं, इसे किनकी कहा जाता है। और पापड़ बनाने के लिए नई किनकी का ही यूज करना चाहिए, जिससे पापड़ हमारे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और किनकी पिसवाने के टाइम पे 1 किलो किनकी के सामने हमें 1 मुट्ठी भर साबूदाना डालना है। साबूदाना डालने से हमारे चावल के पापड़ बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। अगर किनकी पिसवाने के टाइम पे आपने साबूदाना नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी 1 मुट्ठी साबूदाना मिक्सी में फाइन पीस के चावल के आटे में मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो चावल का आटा पतीली में यहाँ तक भरा हुआ है, तो चावल से हमें 1.5 गुना पानी लेना होता है। एक बड़े से पतीले में हम पानी डाल देंगे, तो वही पतीली से हम 1.5 गुना पानी नाप के डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पतीली और दूसरी आधी पतीली पानी ले लिया है। अब बड़े पतीले को हम गैस पे रखेंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे कवर करके पानी को उबलने देंगे। पानी हमारा अच्छे से उबल गया है तो इसमें हम 2 चम्मच भर के नमक डाल देंगे और 2 चम्मच भर के हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। और मैंने यहाँ पे जो स्पाइसी वाली लविंग या मिर्ची आती है उसकी पेस्ट बना ली है, जो बहुत ही तीखी आती है, और चावल के पापड़ बनाने के लिए यही मिर्ची का यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने हरे लहसुन को ऐसे बारीक पीस लिया है। मैं यहाँ पे हरे लहसुन के टेस्ट वाले खिचिया पापड़ बना रही हूँ, पर हरा लहसुन आपको ना मिले तो आप 1 चम्मच सूखा लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के हरे लहसुन की पेस्ट डाल दी है, पर आपको बिना लहसुन के चावल के पापड़ बनाना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते है। एक बार इसे अच्छे से हिला लेंगे और इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम खोल के देख लेंगे, बहुत ही अच्छा इसमें उबाल आ गया है और हमारी हरी मिर्ची और लहसुन भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें पापड़ खार डालेंगे। मैंने यहाँ पे ये पापड़ खार ले लिया है और ये पापड़ खार हर एक किराना शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पापड़ बनाने के टाइम पे पापड़ खार का मेजरमेंट बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये कम या ज्यादा हो गया तो हमारे पापड़ टूट सकते हैं या तो लाल हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल के आटे के सामने 40 ग्राम पापड़ खार ले लिया है। अगर हम इसे चाय के नॉर्मल कप से मेजर करें तो आधे कप से थोड़ा ज्यादा हमारा ये पापड़ खार होता है। तो पापड़ खार को भी हम डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से हिला लेंगे। पापड़ खार डालने के बाद पानी में बहुत ही उबाल आता है, इसलिए गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है ताकि पानी हमारा बाहर ना जाए। कवर करके हम इसे 4 से 5 मिनट उबाल लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे खोल के देख लेंगे, बहुत ही अच्छे से हमारा पानी उबल गया है। एक बार इसे हिला लेंगे तो खिचू बनाने के लिए हमारा पानी रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। एक बड़ी सी परात में हम 1 किलो चावल का आटा ले लेंगे और आटे में हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों में अच्छे से हम मसल के डालेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत से लोग पानी उबलने के टाइम पे ही अजवाइन या तो जीरा पानी में ही डाल देते हैं, पर पानी में अजवाइन या तो जीरा उबल उबल के पानी हमारा ब्राउन हो जाता है, इसलिए कभी कभी चावल के पापड़ हमारे फ्राई होने के बाद थोड़े ब्राउन जैसे लगते है। तो हम अजवाइन पानी में ना डाल के आटे में ही डालेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ अजवाइन ही ले रही हूँ, पर अगर आप चाहो तो इसमें जीरा और तिल भी डाल सकते हैं। अब हमारा ये जो गर्मा गर्म पानी है वो हम आटे में डालते जाएंगे। एक साथ सारा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी डालते जाएंगे और बेलन से हमें इसे मिक्स करते जाना है। बस तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेलन से इसे मिक्स करते जाएंगे, और जितने पानी की हमें जरूर लगती हो इतना पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे।
तो देखिए इस तरीके का हमारा ये आटा होना चाहिए। और इतना मिक्स करते करते हमारा इतना पानी बाकी रहा है। अब हम थोड़ा सा पानी वाला हाथ करेंगे और ये गर्मा गर्म आटे के हम बड़े बड़े गोले बना लेंगे। इस तरीके से बड़ा गोला बना के बीच में हमें उंगली से हॉल कर लेना है और इसी तरीके से हम हमारे सारे गोले बना लेंगे। बीच में हॉल करने से हमारा आटा अंदर तक अच्छे से स्टीम होता है। यहाँ पे मैंने सारे गोले बना लिए हैं, अब हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे इडली कुकर ले लिया है। इडली कुकर में खींचो बहुत ही अच्छे से स्टीम होता है, पर अगर आप चाहो तो पतीले में स्टैंड रख के भी इसे स्टीम कर सकते हैं। पानी हमारा अच्छे से उबल गया है, थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल के ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें खींचू के गोले रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने चार गोले रख दिए हैं और हर बार हम इस तरह चार चार गोले रख के ही गोलों को स्टीम करेंगे। तो इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे खोल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं खीचू का कलर चेंज हो गया है, यानी हमारा खीचू अच्छे से स्टीम हुआ है। थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से तोड़ के देख लेंगे कि अंदर से भी ये स्टीम अच्छे से हुआ है या नहीं। तो देखिए अंदर तक हमारा खीचू अच्छे से स्टीम हुआ है। अगर खीचू अंदर तक अच्छे से स्टीम नहीं हुआ होगा तो अंदर से आपको व्हाइट कच्चे आटे जैसा दिख ही जाएगा। तो आप इसे कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा खीचू अच्छे से स्टीम हो गया है। गोले निकाल के दूसरे चार गोले हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। ऐसे बड़ी सी परात में हम प्लास्टिक की थैली रख देंगे और डायरेक्ट हम इसमें ही खीचू डालते जाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे और हम इसे बंद करके अच्छे से हाथों से मसलेंगे। और खीचू को हमें गर्मा गर्म ही मसलना होता है ताकि हमारा खीचू अच्छे से स्मूथ हो जाए। और गर्मा गर्म खीचू हम इस तरीके से थैली में मसलेंगे तो हमारे हाथ कम जलते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसी तरीके से इसे मसलते रहेंगे। अब 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे थैली में से निकाल लेंगे और हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगा के इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। और अभी भी ये बहुत ही गर्म है, आटे को हमें ठंडा नहीं होने देना है। गर्मा गर्म आटे से ही हम लोई बनाते जाएंगे और इसे एक बाउल में रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम हमारे एक ही साइज के सारे गोले बना लेंगे और इसे हम ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि ये ठंडे भी ना हो और सूख भी ना जाए। अब हम पटले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसे पटले के ऊपर हम अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर हम एक पतले प्लास्टिक को काट के चिपका देंगे। इस तरीके से पानी और तेल लगाने से हमारा प्लास्टिक पटले के ऊपर बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है और पापड़ हम बहुत ही अच्छे से बेल पाते हैं। अब हम गर्मा गर्म एक लोई ले लेंगे, प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के फिर हम इसे बेल लेंगे। अगर गर्म आटा होगा तो हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे से फटाफट से बन जाएंगे, इसलिए आटे को हमें ठंडा नहीं होने देना। गर्मा गर्म आटे में ही हमें ये सारी प्रोसेस करते जानी है और किनारों पे से ही हमें बेलन घुमाते जाना है और पापड़ को बड़ा करते जाना है। इस तरीके से हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे पतले बनते हैं। तो बिल्कुल पतला पापड़ हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और पापड़ को हम इस तरीके से बेलन से उठा लेंगे। पतले के ऊपर प्लास्टिक है इसलिए हमारा पापड़ बहुत ही अच्छे से निकल जाता है और पापड़ को हम बेलन से ही प्लेट के ऊपर रख देंगे और पापड़ में क्रीस ना रहे वो बात का ध्यान रखना है। तो देखिए बिना फटे हमारा बहुत ही बढ़िया पापड़ बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम हमारे सारे पापड़ बना लेंगे और पापड़ के ऊपर ही इस तरीके से पापड़ रखते जाएंगे। यहाँ पे मेरे इतने पापड़ बनके तैयार हो गए है, इसे हम धूप में सुखा लेंगे। यहाँ पे मैंने धूप में एक प्लास्टिक बिछा दिया है और इसके ऊपर हम पापड़ को दूर दूर रख देंगे। और ये पापड़ सुखा के जो दूसरे चार गोले हमने स्टीम करने के लिए रखे थे तो उसके भी हम यही सेम प्रोसेस से पापड़ बना लेंगे और सारे पापड़ हम पूरे दिन की कड़क धूप में सुखा लेंगे। तो देखिए पूरा एक दिन मैंने पापड़ को धूप में सुखा लिया है और बहुत ही बढ़िया हमारे पापड़ यहाँ पे बन के तैयार हो गए है। आप देख सकते है कि एक भी पापड़ हमारा टूटा नहीं है और बहुत ही अच्छे हमारे पापड़ पतले बने है। तो ये पापड़ को हम डब्बे में 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा साल ये पापड़ ऐसे ही रहेंगे।
गर्मा गर्म तेल में एक पापड़ में फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे फूल रहे हैं और बहुत ही अच्छे व्हाइट ही हमारे पापड़ फ्राई हो रहे हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे रुई से सॉफ्ट और क्रिस्पी हमारे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। पूरे साल के लिए पापड़ स्टोर करने के लिए पापड़ बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और मेरे बताए हुए ये तरीके से आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ कभी भी टूटेंगे भी नहीं और लाल भी नहीं होंगे। आज की मेरी रेसिपी आपको यूजफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही आसान आसान रेसिपी आपको मेरी चैनल पर मिलती रहती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैप्पी कुकिंग।